कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गधा। गधा यानी कि डंकीज, इनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्या पता वो आपकी और आपके देश की किस्मत पलट दें। ये बात हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, हम 100 आने सच कह रहे हैं। पड़ोसी पाकिस्तान इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के 80 लाख लोग गधा पालन को व्यवसाय बना चुके हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी को गधों का सहारा है, यह हम नहीं पाकिस्तान सरकार खुद कह रही है। दरअसल 11 जून को पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आर्थिक सर्वे पेश किया। रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त मंत्री बताते हैं कि देश में मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान में 15 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से 4 करोड़ भैंस, 3 करोड़ भेड़ और 8 करोड़ बकरी हैं। इनमें सबसे ज्यादा गधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। देश में गधों की संख्या एक साल में 1.72% बढ़कर 59 लाख हो गई है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 58 लाख था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी देश की आर्थिक तरक्की के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, तो आपका जवाब होगा उस देश में इंडस्ट्री बेहतर होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, साथ ही उस देश का सर्विस सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। मोटे तौर पर किसी की आर्थिक तरक्की को मापने के यही 3 पैमाने होते हैं। आर्थिक तरक्की करने वाले देश चाहते हैं कि चीजों का आयात कम से कम करना पड़े, जबकि निर्यात बढ़ाया जाए, ताकि उनके पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व हो। लेकिन बीते साल पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वो गधों की बिक्री से फॉरेन रिजर्व हासिल करेंगे। फॉरेन रिजर्व से मतलब विदेशी मुद्रा भंडार से है। विदेशों को भेजे जाने वाले सामान के बदले जो पैसे मिलते हैं, उसे विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के मुताबिक उनका विदेशी मुद्रा भंडार 9 लाख करोड़ को पार कर गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा मवेशियों के एक्सपोर्ट से आया है। पाकिस्तान में 80 लाख लोग पशुपालन करते हैं। यहां से चीन को गधे की खाल समेत तमाम डेयरी उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान को अच्छी खासी कमाई होती है। चीन को गधे निर्यात करने से लोगों की कमाई 40% तक बढ़ी है। आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तानी सरकार ने लोगों से गधे पालने की अपील की है। सरकार इन गधों को चीन भेज रही है। चीन दुनिया भर में गधों का सबसे बड़ा खरीदार है। इसकी वजह है इनकी खाल से जिलेटिन निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में होता है। इसके अलावा गधे के मांस और दूध की चीन में खपत है। गधे का मांस चाइनीज स्ट्रीट फूड का एक बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए चीन बड़ी संख्या में गधों का इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक देश में गधों की संख्या में लगातार इजाफा देखा गया। साल 2019 से साल 2023 तक लगातार गधों की संख्या में 1 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान दुनिया का 3रा सबसे बड़ा गधे का एक्सपोर्टर है, जबकि चीन नंबर 1 पर है। पाकिस्तान के 80 लाख लोगों की रोजी रोटी जो है वो इसी कारोबार से चलती है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खस्ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर 8 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसके बावजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF से बेल आउट पैकेज की उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान को IMF की ओर से दी गई मदद की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 को $1.1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ रुपए, जनवरी 2024 में 5,844 करोड़ रुपए, जबकि जुलाई 2023 में 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इन सबको मिलाकर पाकिस्तान पर IMF का कुल कर्ज $3 बिलियन पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर IMF के बेल आउट पैकेज पाकिस्तानी इकोनॉमी को डूबने से बचाए हुए हैं। तंगहाली से निपटने के लिए पाकिस्तानी सरकार अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक बेच चुकी है। 2023 में इस्लामाबाद पोर्ट भी ठेके पर दे दिया गया। इससे पहले कराची पोर्ट UAE की कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया था। अब पाकिस्तानी सरकार अपनी PSUs को बेचने जा रही है। इसे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024-2029 नाम दिया गया है। इसके तहत 88 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जाएगी। सबसे पहले उन कंपनियों को बेचा जाएगा जो घाटे में है। पाकिस्तान में महंगाई दर की बात करें तो बीते 2 सालों में वो सबसे निचले स्तर पर है। साल 2024 में महंगाई दर में 17.3% की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि साल 2023 में ये 38% थी। पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू रहा है, जबकि आटा तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। IMF ने महंगाई से निपटने के लिए पाकिस्तानी सरकार को आर्थिक सुधार लागू करने को कहा था। इसमें डीजल, पेट्रोल और बिजली की दरों में बढ़ोतरी, सभी तरह की सब्सिडी खत्म करने और टैक्स कलेक्शन 10% बढ़ाने का सुझाव था। लेकिन गधों को बेचकर देश के आर्थिक हालात सुधारने का ख्वाब पाले पाकिस्तान के आर्थिक हालात
कब सुधरेंगे ये कोई नहीं बता सकता। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।